आप बंजर जमीन क्षारपण नापीक में मल्टीप्लायर की मदद से खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें विस्तार से समझ लेना जरूरी है। जैसे किसी भी खेत की मिट्टी या तो रासायनिक खाद के इस्तेमाल से बंजर बनती है या खारे पानी के कारण बंजर बनती है। अब हम दोनों बातों को विस्तार से समझ लेते हैं। यूरिया की थैली पर लिखा होता है 46% यूरिया, मतलब उसमें यूरिया 46% के साथ 54% साल्टी मटेरियल होता है। उसी प्रकार जब आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालते हैं, उसकी थैली पर लिखा होता है 16% सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब 100 किलो फास्फेट में 84 किलो साल्टी मटेरियल होता है। जब जब ये खाद मिट्टी में डाला जाता है, इसमें जो साल्टी मटेरियल होता है वो मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को मार डालता है। खाद डालने का काम 1968 से चल रहा है। धीरे धीरे सूक्ष्म जीवाणु मरते जा रहे हैं। जिस मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा संख्या में मर जाते हैं, वह मिट्टी बंजर हो जाती है, उसमें कुछ भी पैदा होना बंद हो जाता है। कुछ खेतों में तो घास तक पैदा नहीं होती। रासायनिक खाद का इस्तेमाल प्रारंभ होने के पहले भी बंजर जमीन होती थी, परंतु वह कम प्रमाण में होती थी। जिस कुएं यानी कि विहीर का या तालाब का पानी खारा होता था, वहां की जमीन बंजर हो जाती थी। 1968 से लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने के कारण बहुत सारे कुएं यानी कि विहीर का पानी खारा हो गया है। वहां की जमीन खारे पानी के कारण बंजर हो रही है। खारे पानी के लिए अब वाटर कंडीशनर बन गए हैं। आप एक बार लगा दो, कोई मेंटेनेंस का खर्च नहीं। मतलब खारे पानी से जमीन बंजर होना हम रोक सकते हैं, और जो जमीन बंजर हो गई है उसको हम मल्टीप्लायर की मदद से फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। मल्टीप्लायर मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को तुरंत प्रभाव से बढ़ने का काम प्रारंभ करता है। जैसे जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। जिस जमीन पर घास भी नहीं उगती, ऐसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता मल्टीप्लायर में है।